इस लेक्चर वीडियो में हम एस्टिमेशन कॉस्टिंग का एक टॉपिक है मेजरमेंट्स, वो डिस्कस करेंगे। मेजरमेंट्स से रिलेटेड एसएससी जेई में हर बार एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बाकी भी जेएन के एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो इस टॉपिक में कौन सी आइटम है, उसको कौन सी यूनिट में मेजर किया जाता है, वो सारा है। सो फर्स्ट अर्थवर्क, अर्थवर्क को मेजर किया जाता है वो मीटर क्यूब में मेजर किया जाता है। बट कुछ स्पेशल केसेज हैं जब अर्थ को, अर्थवर्क को मीटर स्क्वायर में भी मेजर किया जाता है। स्पेशल केसेज हैं, एक तो सरफेस ड्रेसिंग, जैसे कि कोई खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, उसमें थोड़ी बहुत घास वगैरह उग गई है, थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ सी सरफेस है, तो उसको लेवल करना है। तो इस टाइप का अर्थवर्क हुआ तो उसको स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे। कंडीशन यहाँ पे क्या है कि जो इरेगुलरिटीज हैं ग्राउंड सरफेस पे वो 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा डीप नहीं है, तो स्क्वायर मीटर में मेजर कर लेंगे। दूसरा, अगर कोई एक्सक्यूएशन है जिसकी विड्थ है वो 1.5 मीटर से ज़्यादा है, प्लेन एरिया वो 10 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है, प्लान का जो एरिया है, बट जो डेप्थ है वो 30 सेंटीमीटर से कम है या 30 सेंटीमीटर है, तो उस केस में भी उसके एक्सक्यूएशन से रिलेटेड जो अर्थवर्क होगा उसको मेजर करेंगे, वो स्क्वायर मीटर में करेंगे। उसके अलावा फाउंडेशन में कंक्रीट यूज़ की जाती है काफ़ी बार, तो उसको यूज़ करेंगे, वो मीटर क्यूब में यूज़ करेंगे, मेजर करेंगे। सोलिंग होती है कि कभी कभी ग्राउंड जो सोइल है आपकी जहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है वो वीक है, तो उसको थोड़ी सी स्ट्रेंथ देने के लिए वहाँ पे या तो ड्राई ब्रिक्स की लेयर बिछा दी जाती है या फिर स्टोन्स की एक लेयर दे दी जाती है। तो यहाँ पे जो इसको सोलिंग बोलते हैं, तो सोलिंग को मेजर करेंगे वो मीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे। प्लस जो थिकनेस है वो स्पेसिफाई कर दी जाती है कि कितना थिक है वो लेयर है, वो उसकी कितनी थिकनेस रखनी है। नेक्स्ट है डैम्प प्रूफिंग कोर्स। डैम्प प्रूफिंग कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं कि जो अपना स्ट्रक्चर है उसमें मॉइस्चर वगैरह ना जाए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये मेजर किया जाता है मीटर स्क्वायर में। और कहीं कहीं पे डैम्प प्रूफिंग कोर्स नहीं प्रोवाइड किया जाता, जैसे कि ये रूम है, ये यहाँ पे डोर की ओपनिंग है, ये बाहर वरंडा है, जैसे इधर दो साइड वॉल है और इधर वरंडा है, तो इधर बस जस्ट पोल्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे हम डीपीसी नहीं प्रोवाइड करवाएंगे क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग है, तो ग्राउंड सरफेस से स्ट्रक्चर के अंदर मॉइस्चर जाने का खतरा नहीं है। यहाँ पे भी कोई वॉल नहीं बनी हुई है अपनी, तो इस वाले एरिया में भी हम डीपीसी नहीं प्रोवाइड करवानी पड़ेगी हमें, कारण क्योंकि इसके ऊपर भी वॉल नहीं है जिसको हम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं मॉइस्चर से। तो इस केसेस, इन दोनों केसेस में इस टाइप की जो ओपनिंग है जहाँ पे डीपीसी नहीं प्रोवाइड करवानी है, उसको हम जो एरिया है वो रिड्यूस कर देते हैं टोटल एरिया में से। नेक्स्ट है मेसनरी। मेसनरी को मेजर किया जाता है वो मीटर क्यूब में मेजर किया जाता है। मेसनरी में वॉल्स हैं उनको मेसनरी को मेजर मीटर क्यूब में किया जाता है। वॉल्स हैं उनको सॉलिड कंसिडर किया जाता है, लेकिन वॉल्स में अगर कुछ कुछ ओपनिंग्स हैं जिनके लिए डिडक्शंस हम नहीं करते हैं, कुछ कुछ के लिए करते हैं। सो किन ये है किस किस के लिए कि हम डिडक्शंस नहीं करना है, अगर ओपनिंग भी है तो हम उसको सॉलिड मान के ही कैलकुलेट करना है वॉल्यूम, डिडक्शंस नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट है कि कोई ओपनिंग है जिसकी एरिया है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम है, जैसे कि ये वॉल थे, यहाँ पे कोई आपने छोटा सा होल, एक होल छोड़ना है जैसे एग्जॉस्ट फैन के लिए किचन की वॉल है। सो यहाँ पे अगर ये ओपनिंग का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम है तो इसको हम अलग से कैलकुलेट, इसको डिडक्ट नहीं करते हैं, टोटल एरिया ही कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल वॉल का वैल्यू वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड ऑफ बीम्स पोस्ट राफ्टर, जैसे ये बीम है और ये वॉल है, तो बीम है वो वॉल के अंदर जा रही होगी कुछ पार्ट तक, अगर वॉल के अंदर ही ऐसे बीम जा रही है तो इतना एरिया में अब मैसनरी वर्क नहीं होगा क्योंकि इतना स्पेस बीम ने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो इसके लिए भी अगर ये बीम के एंड या पोस्ट के एंड या राफ्टर वगैरह इनका एरिया अगर 500 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम है, अगर ये वाला एरिया, तो हम इसके लिए डिडक्शंस नहीं करेंगे। बेड प्लेट, वॉल प्लेट, बीरिंग ऑफ छज्जा, इस टाइप के स्ट्रक्चर हैं, अगर उनकी डेप्थ है वो 10 सेंटीमीटर से कम है तो डिडक्शंस नहीं करेंगे। छज्जा क्या होता है, जैसे ये वॉल है, यहाँ पे एक ओपनिंग दी हुई है, यहाँ विंडो दी हुई है, तो इस विंडो है तो इसको धूप और बारिश वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दे दिया जाता है बाहर की तरफ प्रोजेक्टिंग, कुछ इस टाइप का, ये स्टोन का है या आरसीसी का हो सकता है। अब ये है, ये स्ट्रक्चर है, ये है एक कंटिलीवर बीम के जैसे, तो इसका कुछ पार्ट होगा जो कि इसके अंदर भी जा रहा होगा वॉल के,
अब जितना है वॉल के अंदर जो ये जा रहा है ये अगर 10 सेंटीमीटर तक है तो उस केस में हम डिडक्शंस नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा है तो डिडक्शंस करेंगे। और उसके अलावा अगर विंडो डोर वगैरह उनकी सारी ओपनिंग है तो उसके लिए डिडक्शंस करेंगे। आर्क मशीनरी है तो उसको मेजर करेंगे, वो मीटर क्यूब में मेजर करेंगे, जैसे कि ऐसे कुछ आर्क बनना है। और इसकी ये सेंटर लाइन वाली लेंथ मेजर कर ली जाती है, ये होगी एल एम मीन लेंथ। ये जो थिकनेस है ये होगी जो स्मॉल टी से डिनोट किया हुआ है इनटू वॉल की थिकनेस मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम में आ जाएगा। इस तरीके से इसको मेजर करते हैं। लिंटल्स और ओपनिंग, जैसे कि ये कोई वॉल थी सॉलिड स्ट्रक्चर था, इसके बीच में यहाँ पे ये कुछ डोर के लिए ओपनिंग छोड़नी है। ये वॉल है, ये इतनी सी बीच में ओपनिंग छोड़नी है। इस वाले के ऊपर वाला जो पार्ट है इसका लोड तो इसी पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देते हैं बीम के जैसा, वो उसका आरसीसी का भी हो सकता है, स्टोन का भी हो सकता है। तो इसके ऊपर यहाँ उसका क्या पर्पज़ है कि उसके ऊपर जो वॉल आ रही है उसका लोड ले ले, क्योंकि नीचे तो ओपनिंग है तो वो लोड ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, इसी को वो लोड कैरी करना पड़ेगा। सो इसको लिंटल बोलते हैं। तो लिंटल को मेजर करते हैं वो मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। रेनफोर्स्ड कंक्रीट और रेनफोर्स्ड ब्रिकवर्क को भी मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। फ्लोरिंग और रूफिंग है उसको भी एरिया की फॉर्म में मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं कि कितने एरिया में फ्लोरिंग करनी है या कितने एरिया में रूफिंग करनी है। सो ये नेक्स्ट है प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग। वॉल जो है उसको हम मॉइस्चर वगैरह उसमें के अंदर ना जाए और वो थोड़ा दिखने में भी अच्छी लगी, अपीयरेंस उसकी अच्छी है, इसके लिए हम उसके बाहर एक लेयर लगा देते हैं, उसको प्लास्टरिंग बोलते हैं। पॉइंटिंग का भी पर्पज वही होता है मॉइस्चर वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन इसमें पूरी लेयर को कवर नहीं किया जाता है। जैसे ब्रिक्स है, ये ब्रिक है, नीचे दूसरी ब्रिक है, तो इसके जॉइंट पे यहाँ यहाँ पे ये लगा दिया जाता है मटेरियल, तो इसको पॉइंटिंग बोलते हैं। इसको मेजर करते हैं वो मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। थिकनेस जो प्लास्टरिंग की लेते हैं वो 12 mm लेते हैं। डिडक्शंस कुछ केसेस में किए जाते हैं, कुछ में नहीं किए जाते। सो फर्स्ट है कि नो डिडक्शन ऑफ एंड्स ऑफ बीम पोस्ट। अगर ये बीम है, ये वॉल के अंदर जा रही है, जब वॉल पे प्लास्टरिंग कर रहे हो तो इस वाले एरिया पे प्लास्टिंग नहीं होगी, क्योंकि ये बीम ने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो इस पे प्लास्टिंग नहीं कर पाओगे। प्लास्टिंग तो इधर बाहर बाहर इतने में ही करनी होगी, तो इसके लिए कोई डिडक्शंस नहीं किए जाते हैं। कोई ओपनिंग है जो 0.5 मीटर स्क्वायर से छोटी है, ये 0.5 मीटर स्क्वायर है, तो उसके लिए भी कोई डिडक्शंस नहीं किए जाते हैं। ओपनिंग के केस में क्या होता है, जैसे कि ये है और ये यहाँ पे कोई ओपनिंग देनी है, ओपनिंग के केस में ये वाला एरिया तो रिड्यूस हो गया, अंदर की सरफेस का भी बाहर की सरफेस का भी, लेकिन ये वाली जो सरफेस है इसके अलोंग तो प्लास्टरिंग करनी पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं कि ऑल ओवर कंपनसेट सा हो रहा है, तो डिडक्शंस भी नहीं करते हैं, कुछ एडिशंस भी नहीं करते हैं। जैसे कोई यहाँ ये सील और जैम वगैरह होते हैं, जैसे ये विंडो की ओपनिंग है तो ये यहाँ पे सील है, तो ये अगर 0.5 मीटर से कम अगर है तो डिडक्शंस नहीं करते हैं। अगर ओपनिंग है वो 0.5 मीटर स्क्वायर से बड़ी है, 3 मीटर स्क्वायर से छोटी है, तो इस केस में डिडक्शंस करते हैं, बट एक फेस के लिए ही, एक फेस के लिए डिडक्ट कर देते हैं एरिया। दूसरे फेस के लिए मान लेते हैं कि जितना दूसरे फेस के कारण एरिया कम हो रहा है उतना ये जैम्स और इन सब के कारण एरिया इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर ओपनिंग 3 मीटर स्क्वायर से बड़ी है तो दोनों सरफेस के लिए डिडक्शंस करेंगे, आउटर सरफेस और इनर फेस दोनों फेसेस के लिए डिडक्शंस करेंगे, और जैम्स और सोफिट्स वगैरह के लिए हम अलग से ऐड करेंगे। नेक्स्ट है कॉर्निसेज। कॉर्निसेज होता है कि ये वॉल है और उसके यहाँ पे कुछ डेकोरेटिव सा वर्क किया जाता है टॉप पे, अपीयरेंस इसकी अच्छी है इसके लिए, तो इसको हम मेजर करते हैं वो रनिंग मीटर में मेजर करते हैं। पिलर्स अगर कहीं लगने हैं कुछ तो उनको भी मेजर करेंगे, वो वॉल्यूम की फॉर्म में मीटर क्यूब में मेजर करेंगे। डोर्स और विंडोज को भी मीटर क्यूब में मेजर करेंगे, लेकिन डोर्स और विंडोज, सो डोर और विंडोज में ये अगर विंडो लीव्स और डोर और शटर वगैरह कुछ है, जैसे कोई शटर लगना है शॉप में जो गेट लगे होते हैं शटर, तो इस टाइप का कुछ वर्क है उसको मीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे। लेकिन चौखट और फ्रेम वगैरह है उनको मेजर करेंगे वो मीटर क्यूब में ही मेजर करेंगे। नेक्स्ट है वुड वर्क है, उसको मेजरमेंट होगा वो मीटर क्यूब में होगा। आयरन वर्क कहीं पे है, कुछ आयरन का कुछ स्ट्रक्चर बनना है तो उसका मेजरमेंट होगा वो केजी और क्विंटल में होगा। व्हाइट वॉशिंग और कलर वॉशिंग, डिस्टम्पिंग,
इन तीनों के लिए ही मेजरमेंट होंगे, वो मीटर स्क्वायर की फॉर्म में मेजर होंगे। एरिया मेजर किया जाएगा, कितने एरिया भी वाइट वॉशिंग करनी है। जैसे प्लास्टिक में डिडक्शंस कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे डिडक्शंस होंगे। प्लस कभी कभी हमें जिस सरफेस पे वाइट वॉशिंग या कलर वॉशिंग करनी है वो अगर स्मूथ नहीं है, जैसे कि एक होती है कोरूगेटेड शीट्स, वो कुछ इस तरीके से बनी होती हैं, तो अब हम तो मेजर करेंगे तो वे प्लेन वाला एरिया मेजर करेंगे, लेकिन एक्चुअल में जितने एरिया पे पेंट करना है वो एरिया इससे ज़्यादा है, कलर वॉशिंग करना है वो इतना एरिया है। तो यहाँ पे प्लेन एरिया मेजर कर लेते हैं और उसको एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है जो कि स्टैंडर्ड कोड्स में दिया हुआ है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर कोरूगेटेड आयरन सीट है, ध्यान रखना ये आयरन की अगर सीट है तो 1.14 होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो सीमेंट और कोरूगेटेड सीट है, ए शॉर्ट में इसको एसी कोरूगेटेड सीट भी बोलते हैं, तो 1.2 होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। लेकिन अगर सेमी कोरूगेटेड है, सेमी कोरूगेटेड कुछ ऐसा होता है, फ्लैट सरफेस है, फिर कोरूगेशन आया, फिर फ्लैट सरफेस है, फिर कोरूगेशन आया, इस टाइप से, तो इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 हो जाता है। इसमें 10% इंक्रीज करते हैं एरिया, और फुली कोरूगेटेड वाले में 20% इंक्रीज कर देते हैं एसी सीमेंट, एस्बेस्टोस सीमेंट कोरूगेटेशन के केस में। स्ट्रीट रोलिंग सेटर्स हैं तो 25% एरिया इंक्रीज करते हैं, या कह सकते हैं कि 1.25 मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। पेंटिंग का अगर कहीं कुछ वर्क है तो उसको स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे, पेंटिंग को मेजर करेंगे वो स्क्वायर मीटर में। जो कोफिशेंट मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो थे, जो वाइट वॉशिंग और कलर वॉशिंग के लिए थे, वो सेम ही है यहाँ पे भी। नेक्स्ट अगर कंक्रीट मेजर करना है तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि कंक्रीट मेजर करते हैं, कंक्रीट वर्क अगर तो उसको मीटर क्यूब में करते हैं। बट अगर कहीं फॉर फॉर्म वर्क, सेंटरिंग और शटरिंग इस टाइप से रिलेटेड कंक्रीट में इन सब की जरूरत पड़ेगी, शटरिंग वगैरह की, तो इस टाइप का जो वर्क होगा उसको हम मेजर करेंगे वो स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे। थिकनेस ऑफ स्लैब पार्टीशन वॉल शैल बी मेजर्ड नीडेस्ट 2.5 सेंटीमीटर। वैसे लेंथ को हम मेजर करते हैं वो 1 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी तक करते हैं, लेकिन स्लैब और पार्टीशन वॉल ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनकी थिकनेस कम होती है, तो इसको और आधा कर दिया जाता है, तो ये आधा सेंटीमीटर तक, 1 सेंटीमीटर के बजाय 0.5 सेंटीमीटर तक एक्यूरेसी के साथ मेजर करते हैं स्लैब और पार्टीशन वॉल के केस में। जालीज जैफरीज होती हैं कि रेलिंग जगह से कहीं पर लगी होती है, जैसे ये कंक्रीट की भी बनी हो सकती है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि वॉल जैसे इतनी सी हाइट वॉल की रख दी और इसके ऊपर एक कंक्रीट की, ये सीमेंट कंक्रीट की एक जाली जैसा स्ट्रक्चर आता है, बना बनाया आता है मार्केट में, तो ये लगा दिया जाता है, इससे कि थोड़ा अपीयरेंस भी अच्छा हो गया और कॉस्टली भी पड़ा, पूरा आपको ऊपर तक वॉल नहीं बनानी पड़ी। ये मेटल का भी बना होता है और कंक्रीट या सीमेंट का भी बना होता है, तो जाली जेफरीज इनको बोलते हैं। लॉवर्स जो होते हैं ये एक स्पेशल टाइप का गेट है जिससे कि विजिबिलिटी तो ब्लॉक होती है लेकिन एयर सर्कुलेट करने के लिए फ्री होती है, एयर का सर्कुलेशन होता है। अगर आपने वुडन का बना हुआ शूरेक देखा होगा तो उसके जो डोर बने होते हैं उनको लोवर्स बोलते हैं, उसमें हवा क्रॉस हो सकती है। तो इनका थिकनेस मेंशन कर दी जाती है और इनको मेजर किया जाता है वो रनिंग मीटर में किया जाता है, तो लेंथ की फॉर्म में रनिंग मीटर में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है आरसीसी वर्क। आरसीसी वर्क को हम मेजर करते हैं वो मीटर क्यूब में मेजर करेंगे। स्टील को उसमें आरसीसी में स्टील भी लगेगा, स्टील का यूज होगा, तो उसको मेजर करेंगे वो क्विंटल में मेजर करेंगे। छज्जाज वगैरह, छज्जाज हमने पहले पढ़ा था कि विंडो या डोर अगर हमने दिया है तो उसको ऊपर प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर बाहर की तरफ प्रोजेक्टिंग जैसे कोई ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है, तो इसको मेजर करेंगे रनिंग मीटर में मेजर करेंगे, क्योंकि कॉन्क्रीट का भी हो सकता है, इसलिए आरसीसी वर्क के अंडर इसको कंसिडर किया गया है। तो मीटर, रनिंग मीटर में मेजर करेंगे, स्पेसिफाई कर देंगे प्रोजेक्शन वगैरह कितना होना है। ब्रिक वर्क को मेजर करेंगे वो मीटर क्यूब में मेजर करेंगे। अब ब्रिक वर्क में अगर हनीकॉम ब्रिक वर्क है तो इसको स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे। हनीकॉम ब्रिक वर्क ऐसी होती है कि बीच बीच में ओपनिंग छोड़ दी जाती है, अगर बहुत इकोनॉमिकल सस्ते में स्ट्रक्चर बनाना है या गाँव में जो कच्चे से घर बनाए जाते हैं तो वो कुछ इस टाइप के बने हुए होते हैं, तो इस तरीके से ब्रिक वर्क किया जाता है बीच में खाली स्पेस छोड़ छोड़ के, तो इसको हनीकॉम ब्रिक वर्क बोलते हैं और इसको स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है। प्लस इसमें थिकनेस और पैटर्न कौन सा है हनीकॉम्बिंग का और थिकनेस कितनी रखनी है वो मेंशन कर दी जाती है। रेनफोर्स ब्रिक वर्क अगर कहीं पे है, ब्रिक वर्क है उसमें रेनफोर्समेंट दिया हुआ है, तो
तो उसको मीटर क्यूब में मेजर करेंगे ब्रिक वर्क को, तो और उसमें जो स्टील यूज हो रहा है उसको क्विंटल में मेजर करेंगे। हाफ ब्रिक की कोई पार्टीशन वॉल है या ब्रिक ऑन एज पार्टीशन वॉल है तो इनको मेजर करेंगे वो स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे। ब्रिक एजिंग बाय द साइड्स ऑफ रोड, जैसे कि ऐसे रोड जा रहा है तो काफ़ी बार थोड़ा सा ये रोड की हाइट ज़्यादा है तो थोड़ा सा इसको सपोर्ट करने के लिए भी और थोड़ा सा डेकोरेटिव पर्पज से भी यहाँ पे ऐसे ऐसे इंक्लाइन खड़ी हुई ये इंक्लाइन ब्रिक्स लगा दी जाती हैं, तो इसको मेजर करते हैं वो रनिंग मीटर में करते हैं। ब्रिक वर्क इन आर्चेस इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, कहीं पे आर्च वर्क है तो उसमें जो ब्रिक लगनी है तो वो मेसनरी वर्क जो ब्रिक वर्क होगा उसको मीटर क्यूब में मेजर करेंगे। कॉर्बल्स कॉर्निसेज वगैरह होंगे इन सबको मेजर करेंगे वो रनिंग मीटर में मेजर करेंगे। नेक्स्ट है सीमेंट, सीमेंट हो तो आती है वो 50 kg के बैग्स की फॉर्म में आती है तो इसको मेजर करेंगे क्विंटल और टन की फॉर्म में मेजर करेंगे, या कितने नंबर ऑफ बैग्स भी लिख सकते हैं क्योंकि उसे भी क्विंटल या टन में हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड साइज है एक बैग का, 50 kg का होता है एक बैग। स्टील वर्क अगर कहीं पर स्ट्रक्चर स्टील है या फिर रिवेट्स वगैरह हैं तो इनको मेजर करेंगे केजी और क्विंटल में करेंगे, इस पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्टील रेन्फोर्समेंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, केजी और क्विंटल में मेजर करेंगे। कोलैप्सिबल गेट है अगर कहीं पे हैं, रोलिंग शटर है, कोलैप्सिबल गेट ये स्पेशल टाइप का एक गेट होता है जिसमें कि पूरा कवर नहीं किया जाता, विजिबिलिटी रहती है लेकिन सेफ्टी पर्पज से उसको भी आ जा नहीं सकता उस पर कोई, उसको समेटने पे पूरा समेट जाता है सही। और शटर, स्टील डोर, विंडोज इनको मेजर करना तो स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है, याद रखना एरिया की फॉर्म में स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। स्टोन वर्क अगर है तो जैसे ब्रिक मसनरी वर्क को हम मीटर क्यूब में मेजर करते हैं वैसे इसको भी मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, बट अगर कहीं पे स्टोन फेस वर्क या लाइनिंग है कोई और मटेरियल का बना हुआ स्ट्रक्चर है लेकिन उसमें फेस वर्क करना है वो जस्ट स्टोन का करना है या लाइनिंग देनी है स्टोन वर्क की तो उसको मीटर स्क्वायर में मेजर कर लेते हैं। स्टोन का छज्जा कहीं पर लगना है, स्टोन की कहीं पर सेल्स वगैरह बननी है, अलमीरा वगैरह, तो वहाँ पर भी मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। ड्रेसिंग अगर स्टोन वर्क की करनी है तो मीटर क्यूब में, और बाउल्डर होते हैं ये स्पेशल बड़ी साइज के स्टोन होते हैं, इनकी वॉल भी बनाई जाती है, फिर और भी स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, तो बाउल्डर का जो वर्क होगा उसको भी मीटर क्यूब में मेजर करेंगे। प्लस सैनिटरी और वाटर सप्लाई का जो भी बाथरूम में वॉशरूम वगैरह में जो वर्क होना है सैनिटरी का, पाइप फिटिंग वगैरह, उसकी कॉस्ट हम टोटल बिल्डिंग की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसका 8% मान के चलते हैं, और इलेक्ट्रिफिकेशन की जो कॉस्ट है वो भी टोटल बिल्डिंग की एस्टिमेटेड कॉस्ट का 8% मान के चलते हैं, और इलेक्ट्रिफिकेशन की कॉस्ट का जो एस्टिमेट किया जाता है वो नंबर ऑफ पॉइंट्स की फॉर्म में किया जाता है, कितने पॉइंट्स लग रहे हैं। उसके अलावा कुछ जनरल रूल्स हैं यहाँ पे इसके मेजरमेंट में जो कि यूज़ किए जाते हैं इसमें है, एक तो किसी भी कोई भी आइटम है उसके जो डायमेंशन मेजर करते हैं तो हम इसी ऑर्डर में मेजर करते हैं, पहले लेंथ मेजर करेंगे फिर ब्रेथ करेंगे फिर हाइट, या फिर हाइट की जगह हम थिकनेस और डेप्थ भी बोल सकते हैं। सारे वर्क मेजर करेंगे वो एक्यूरेसी उनकी होगी, अगर लेंथ ब्रेथ विड्थ की बात कर रहे हैं तो 0.01 मीटर होगी, एरिया की बात कर रहे हैं तो 0.01 स्क्वायर मीटर होगा, और वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो 0.01 क्यूबिक मीटर होगा। यूनिट ऐसा ही है, 0.01 सेम ही है, याद रखने में बड़ा आसान सी चीज़ है, एरिया भी 0.01 है, बस एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो गया, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब हो गया, नंबर जो है ये फिगर जो है ये 0.01 ही रहेगा। उसके अलावा अभी हमने पहले पढ़ा कि अगर स्लैब और पार्टीशन वॉल का अगर मेजर करना है तो वैसे तो लेंथ ब्रेथ हाइट वगैरह का 0.01 होता है जिसको हम 1 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, लेकिन स्लैब वगैरह का अगर बात करें तो वो वहाँ पे 0.5 सेमी या आधा सेंटीमीटर हो जाता है। तो ये हो गया सारा थ्योरी उसकी, नेक्स्ट में क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए और बाकी भी इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक पे। इसमें ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन और जो ये आंसर सारे दिए हुए हैं ये स्टैंडर्ड बुक से वेरीफाई किया हुआ है, काफ़ी बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं एग्जाम में जिनके कॉन्ट्राडिक्ट्री आंसर्स होते हैं, तो अगर इनमें से ऐसा कुछ कॉन्ट्राडिक्ट्री आंसर्स आए जिसमें कुछ और आंसर दिया हो इसमें दिया इसके अलावा तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि ये कौन सी बुक में रेफरेंस नंबर क्या है, इसमें आप क्लेम कर सकते हो, राइट आंसर यही होंगे।